भगवान को तीन लोक का नाथ कहा जाता है कि हे प्रभु आप तीन लोक के नाथ हैं। इसका मतलब लोक कितने होते हैं? तीन होते हैं, ऊर्धलोक, मध्यलोक और अधोलोक, है ना। अधोलोक में नारकी रहते हैं, मध्यलोक में त्रयंच और मनुष्य रहते हैं, और ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में देवों के चार भेद बताए हैं, देवाश्चतुर्णिकाया। देव चार प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, है ना। भवनवासी नरक की पहली पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, खर पंख भाग में। व्यंतर मध्यलोक में घूमते रहते हैं, कीड़ा स्वभावी है, और नीचे भी रहते हैं। इसके पश्चात ज्योतिषी, ज्योतिषी देव को मध्यलोक में ही माना गया है, हाँ, क्योंकि वो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। आप ये देखिए कि जहाँ सूर्य और चंद्र है उससे ऊंची पांडुक शिला है। कभी आपने इस पर चिंतन किया? पांडुक शिला जहाँ भगवान का अभिषेक होता है, सूर्य चंद्र जहाँ विचरण करते हैं, बहुत ऊपर है उससे, ठीक है ना। तो मध्यलोक में ही मानेंगे ज्योतिषी देवों को भी। ज्योतिषी देव ज्योतिष विमानों में रहते हैं, ज्योतिषी देव विमानों में रहते हैं। कौन से विमानों में रहते हैं? ज्योतिष विमान में रहते हैं, यानी कि जो विमान सुमेरु पर्वत की सदा परिक्रमा लगाते रहते हैं उन्हें ज्योतिषी विमान कहते हैं। और ये जैसे 88 ग्रह बताए हैं, लेकिन इसके पांच भेद बताए हैं भगवान महावीर ने, और तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ते हो, ज्योतिष का सूर्य चंद्रम सौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च, है ना। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये पांच भेद ज्योतिषी देवों के बताए हैं। और यही जो अभी ज्योतिष है, यही है। तो जो ज्योतिष का निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मैं ये बताना चाहती हूँ। ये ज्योतिष स्वर्ग में नहीं है, ये ज्योतिष नरक में नहीं है, ये ज्योतिष केवल ढाई दीप में है, मनुष्य लोक में है, इससे बाहर ज्योतिष का काम नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के देवता अवधि ज्ञान ही है, नरक के नार की, अरे बोलिए ना, अवधि ज्ञान ही है, भले उल्टा जानते हैं, है तो सही, लेकिन मनुष्यों को अपने भविष्य का ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान वर्तमान में भी नहीं है, और कोई इस तरह की रिद्धियां भी इतनी नहीं है कि उससे भविष्य का ज्ञान कर सके। तो भविष्य के ज्ञान के लिए मनुष्य लोक में ज्योतिष है। जिस समय तीर्थंकर थे उस समय इसकी जरूरत शायद नहीं रहती होगी, लेकिन जब तीर्थंकर नहीं होते हैं तब ज्योतिष का, जब अवधि ज्ञानी होते हैं तो डायरेक्ट अवधि ज्ञानी से पूछ लेते हैं, महाराज ये कब होगा, ये कैसे होगा। ऐसे रिद्धिधारी अष्टांग निमित्त के धारी रिद्धिधारी मुनिवर होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। उस समय इतने अक्षरीय ज्ञान भी नहीं था, ये अक्षरीय ज्ञान तो ये अब बढ़ा है, अब तो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि अक्षरीय ज्ञान होने से सुख बढ़ जाए। तो ज्योतिष बनता है इन ग्रह नक्षत्रों की चाल से, ये सदा घूमते रहते हैं, इनकी गलियां हैं। सूर्य की कितनी
गलियां हैं 184, और इन 184 में ही घूमते घूमते ये दिन रात वार ये सारी चीजें बनते रहती हैं। तो इससे ज्योतिष को, ज्योतिष एक गणित है, ये ऐसा नहीं है कि कोई समझ ना सके। गणित यानी सिद्धांत, ये परिवर्तित नहीं होता है। 100 साल आगे का पंचांग का निर्माण आज हो सकता है कि 100 साल बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कौन से दिन में कौन सी वार पड़ेगा, कौन सी तारीख होगी, 100 साल 200 साल बाद तक का निकाल सकते हैं। ये केवल गणित है, एक इसमें परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सूर्य चांद आदि ग्रहों की चाल निश्चित है, इनकी चाल निश्चित है। तो चाल निश्चित होने से आगे तक का पंचांग 100 साल बाद तक का हो सकता है किसी ने बना भी लिया हो। होंगे कुछ बुद्धिमान होते हैं, बैठे बैठे क्या करें, तो चलो ये ही करते हैं। कुछ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केवल साल भर का निकालते हैं, है ना। कुछ हो ऐसे होंगे जो 2-5 साल आगे तक का देखने तैयार बैठे, भाई मेरी बात मानी जाएगी, 5 साल बाद ऐसा होगा, उस ज्योतिषी ने कहा था ऐसे ही हुआ है, देखो मेरा मेरा हो गया ना, मेरी बात पूरी हो गई ना। तो कुछ ऐसे भी होंगे। तो ज्योतिष एक गणित है, और ज्योतिष कुछ नहीं है, केवल एक नक्शा है। जैसे एक नक्शा को देख करके दिल्ली जाते हैं, नक्शे को देख करके आप लोग मैप निकालते हो ना, भाई ज्ञान तीर्थ पे जाना है, जरा उस पे सर्च करो गूगल पे कि कितनी दूर रह गया। अभी परसों नरसों जब मैं बिहार कर रही थी तो एक एक किलोमीटर का, और उसमें घंटा भी बता रहे कि इतनी देर में आप वहां पहुंच जाएंगे। वो गाड़ी की चाल थी, मेरी चाल से नहीं था। मेरी चाल अलग है और गाड़ी की चाल अलग है। तो गाड़ी की चाल से बता रहे थे कि इतने किलोमीटर रह गए और आप इतनी देर में पहुंच जाएंगे। तो एक नक्शा, ऐसे ही ज्योतिष केवल एक नक्शा है। ये बता रहा है ये आपका शुभ समय है, ये बता रहा है ये आपका शुभ समय है, ये बता रहा है कि यहाँ गड़बड़ होने वाला है, ये बता रहा है कि अब आप राजगति मिलने वाली, बता रहा है। आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और आप उसको घटा भी सकते हैं, क्योंकि जो कर्म के 10 करण हैं उसमें एक उत्कर्षण है और एक अपकर्षण है। किसी ने दूसरे स्वर्ग का बंध किया है और उसने कोई अच्छे काम और ज्यादा कर लिए तो वो ऊपर चला जाएगा, और किसी ने ऊपर का बंध किया है और मामला गड़बड़ कर लिया तो वो नीचे आ जाएगा। इसमें उत्कर्षण अपकर्षण की व्यवस्था है। राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु का बंध 7वें नरकी का किया था, लेकिन उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। साक्षात भगवान महावीर के पादमूल में बैठकर सूलाय कारण भावनाएं भाई, तो वो 33 सागर का अपकर्षण होकर के केवल 84,000 वर्ष में रह गया। तो जो नक्शा दिखाया जा रहा है उसको आप बिल्कुल फिक्स मत समझे, उसको आप अच्छा भी बना सकते हैं और उसको आप बुरा भी बना सकते हैं। उसमें दोनों संभावनाएं आप में है, केवल उसमें निधत्ति निकाचित नहीं होना चाहिए। ज्योतिष केवल नक्शा है, बाकी दिखाने के लिए कि ये कर्म का उदय आने वाला है, अब आपका अशुभ का उदय आने वाला है, अब आपका शुभ का उदय आने वाला है, सातावेदनी का आने वाला है, असातावेदनी का आने वाला है। इसको आप सब कुछ मत समझना। नक्शा तो नक्शा, रास्ता तो रास्ता है, तय तो आपको करना है। बस आपको गूगल तो केवल मैप दिखा रहा है कि इतने किलोमीटर रास्ता है, आप पहुंच जाओ, चलोगे तो पहुंच जाओगे, नहीं चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। इसमें तो एक मैप है, ज्योतिष केवल एक मैप है, लेकिन अब जो मैप बता रहा है, जैसे ज्योतिषी है, ज्योतिषी देव अलग होते हैं, ज्योतिषी देव अलग होते हैं और ज्योतिषी मनुष्य अलग होते हैं। जिसने ज्योतिष का ज्ञान कर लिया है वो ज्योतिषी हो गए,
और जिसने ज्योतिषी देव का कर्म का बंद किया वो ज्योतिषी देव बन जाएगा। तो जो ज्योतिषी है उसके पास आ गए, जरा हमारी जन्म पत्री देखो क्या गड़बड़, बहुत गड़बड़ हो रहा। जब सुख के दिन चल रहे हो ना तब ज्योतिषी की याद नहीं आती है, तब जन्म पत्री की याद नहीं आती है, तब तो मौज मस्ती में जीवन निकलता है। अब कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, घाटा हो जाए, लड़की की शादी ना हो रही हो, ज्यादा बीमार हो रहे हो, ज्यादा परेशानी आ रही, फिर ज्योतिषी याद आता है। चलो अब ज्योतिषी के पास चलते हैं, थोड़ा सुख ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? दुख ज्यादा हो गया है, अब सुख ढूंढने के लिए कहाँ गए? ज्योतिषी के पास। अब बेचारा ज्योतिषी तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो केवल नक्शा लेके बैठा है, वो तो केवल रास्ता दिखा रहा है कि भाई अब आपका अशुभ समय आने वाला है, आपका शुभ समय आने वाला है। अब डॉक्टर तो दवाई लिखता है, ऐसे ही ज्योतिषी भी कहते हैं भाई जब मेरे पास आदमी आएगा और वो ही आएगा जो दुखी होगा, क्योंकि डॉक्टर के पास, वकील के पास, ज्योतिषी के पास, पंडित जी के पास कौन जाता है? कौन जाता है? वही जो परेशान होता है, बिना परेशानी के इनके पास कोई नहीं जाता है। तो जब ज्योतिषी के पास वो गया तब ज्योतिषी को इतनी तैयारी रखनी पड़ती है कि यदि मैंने बताया कि तेरे अब ये गड़बड़ होने वाली है तो पूछेगा इसका उपाय और बता दो। जैसे डॉक्टर से पूछता है दवाई बताओ, तुमने बीमारी बताई है तो दवाई बताओ, ऐसे ज्योतिषी के पास कहता है अब आपने गड़बड़ बताया है तो आप इसका निराकरण भी आप बताओ। निराकरण बेचारा ज्योतिषी क्या बताए, लेकिन फिर भी एक ज्योतिषियों की दुनिया में एक लाल किताब चलती है। यदि सूर्य का तुम्हारा गड़बड़ चल रहा है तो सूर्य को जल दे दो, चंद्रमा गड़बड़ है तो सफेद चीज दान कर दो। हाँ गजेंद्र जी सही है ना। मंगल का गड़बड़ चल रहा है तो लाल चीज दान कर दो, बुध गड़बड़ चल रहा है तो हरी चीज दान कर दो, गुरु गड़बड़ चल रहा है तो पीली चीज दान कर दो, शुक्र गड़बड़ है तो सफेद चीज, शनि और राहु केतु गड़बड़ है तो काली चीज या नीली चीज दान कर दो। बोले इससे आपका ग्रह ठीक हो जाएगा। ठीक है यही है ना। कल प्रश्न आया था मेरे पास में कि आजकल बड़ा मिथ्यात्व चल रहा है और इसमें तीर्थंकरों को बांट दिया, इसमें इस ग्रह में इसकी पूजा करो, इस ग्रह में इसकी पूजा करो, और ये तो ये बड़ा ये मेरे दिमाग में भी था ये विषय, मेरे विषय में भी दिमाग में ये था कि ये सब क्यों, इन तीर्थंकरों को बांटने की कहां जरूरत आ रही। मैंने कई ज्योतिषियों से चर्चा करी लेकिन मुझे इसका समाधान नहीं मिला। प्रश्न ये भी आता है कि सूर्य ग्रह में पद्म प्रभु ही क्यों, मंगल ग्रह में वासुपूज्य ही क्यों। मेरे प्रश्न में ये कई लोगों से चर्चा की लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला। ये समाधान मेरा समाधान मुझसे ही हुआ। एक दिन खुद ही चिंतन में आया कि कारण क्या है, क्यों है। तो फिर पता चला कि जो ग्रह हैं इनका रंग है, सूर्य ग्रह पीले रंग का है, चंद्र ग्रह सफेद रंग का है, मंगल ग्रह लाल रंग का है, बुध ग्रह हरे रंग का है, गुरु ग्रह पीले रंग का है, शुक्र सफेद है, शनि काला है, राहु केतु काले हैं। ठीक है, हमारे तीर्थंकर भी पांच रंग के हैं, दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल, सोलह कंचन वर्ण के ते बंदो त्रिकाल। कलर का इलाज कलर थेरेपी है ये है? बोले मंगल खराब है, बोले वासुपूज्य जी की जाप करो, वासुपूज भगवान की पूजा करो, वासुपूज भगवान को अभिषेक करो, तुम्हारा मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। लाल माला से करो, चंद्र ग्रह है तो बोले चंद्र ग्रह है सफेद है तो बोले आप चंद्रप्रभु भगवान की पूजा करो, चंद्रप्रभु भगवान की जाप करो, चंद्रप्रभु भगवान की उपासना करो, आपका चंद्र ग्रह ठीक हो जाएगा। बुध ग्रह है तो बुध ग्रह में सुपासना भगवान,
और आठ को ले लिया है क्योंकि 24 पूरे करने थे, इसलिए आठ को ले लिया। गुरु ग्रह में आदिनाथ भगवान पीले रंग के हैं और उनके साथ आठ और ले लिए, सात और ले लिए, चलो भाई पूरे 24 हो जाएंगे। गुरु ग्रह में हो गया, शुक्र ग्रह में पुष्पितन भगवान की पूजा बता दी। पुष्पितन भगवान का रंग कौन सा है? सफेद। और शुक्र ग्रह का रंग कौन सा है? सफेद। तो पुष्पितन जी की पूजा करो, तुम्हारा शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा। अब आया शनि का नंबर। शनि से तो सब बहुत डरते हैं, सबसे ज्यादा धावा वो परिग्रह पे बोलता है और सबसे प्यारा वो इंसान को धन है, इसलिए मुनि सुव्रत, काले रंग के मुनि सुव्रत और काले रंग का शनि। तो काले रंग का इलाज किससे बता दिया? मुनि सुव्रत के लिए बता दिया। अभिषेक करो मुनि सुव्रतनाथ भगवान का, जाप करो, चालीसा करो, पूजा करो, माला फेरो, ठीक है। तो ये राहु केतु में बता दिया, पार्श्वनाथ भगवान को कर दिया। अब इसमें मैंने विचार किया कि यदि कोई श्रावक सामान्यतः है जो भगवान महावीर ने सट आवश्यक बताए हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यदि सट आवश्यक पूरे करता है तो उसे कभी भी कोई ग्रह परेशान करने वाला है ही नहीं है। क्योंकि उसके यहां जो भगवान है, या तो पीतल की प्रतिमा और अष्ट धातु की प्रतिमा होगी पीले रंग की, जब वो पीले रंग की प्रतिमा का अभिषेक करेगा तो सूर्य ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। सफेद प्रतिमा चांदी आदि की होती है, उसका अभिषेक करेगा तो चंद्र ग्रह ठीक हो जाएगा। कभी कभी वो जहाज फूर गया तो मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा करी तो शनि ठीक हो गया, है ना। और कभी लाल प्रतिमा का अभिषेक किया तो उसका मंगल ठीक हो गया। यानी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं लाल रंग की प्रतिमा का अभिषेक करूं तो मेरा मंगल ठीक हो जाए, ये दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ग्रहों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप तो रोज अभिषेक पूजा करो, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। अब फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर ही नहीं जाते, बहुत संख्या है, मुश्किल से 20-30% लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं। 30% ऐसे होंगे जो कभी कभी चले ही जाते हैं, लेकिन 30% ऐसे लोग हैं जो मंदिर कभी कभार धक्का मार के भेजना पड़ता, और 10% है कि वो तो जाते ही नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जैनी भी है। ऐसे लोग भी हैं, है ना। अब ऐसे लोग जब परेशान होते हैं फिर ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो कहते भाई शनि पे तेल चढ़ाओ। यदि वो थोड़ा सा भी धर्म जानता होगा तो कहेगा ठीक है, हम तो मुनि सुव्रत का अभिषेक कर लेंगे। जो बिल्कुल ही धर्म नहीं कर रहा है, बात समझ में आई कि नहीं आई, वो उस निमित्त, मान लो जहाजपुर आया, उसने अभिषेक किया, वहां प्रवचन भी चल रहे हैं, वहां कोई किताब पढ़ने मिल गई, तो हो सकता है कि वो आया तो किसी और निमित्त से था और भाव परिवर्तन हो गए तो वो रोज देव दर्शन करने लगे। तो जिसने भी ये जो ग्रहों के हिसाब से तीर्थंकर बनाए हैं 100% गलत नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप गहराई में पहुंचते हो, जब आपको ज्ञान हो गया है तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही छोड़ दोगे। लेकिन जब तक जो धर्म से जुड़ा नहीं है और उसे धर्म से जोड़ना है तो कोई ना कोई निमित्त चाहिए। कम से कम वो शनि पर तेल नहीं चढ़ाएगा, मुनि सुव्रत का ही तो अभिषेक करेगा। और जब मंदिर आना जाना शुरू होगा तो अपने आप ही फिर बाद में सारी चीज छूट जाएंगे, है ना। जो घोर मिथ्यात्व में पड़ा है उसके लिए तो कम से कम अभी शुरुआत तो हुई, दर्शन तो किए उसने, लेकिन जिसने धर्म जान लिया, पहचान लिया, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही भगवान का अभिषेक करता रहेगा। अब भगवान का देव पूजा करते हैं तो उसमें पहला तो अभिषेक आ जाता है, है ना, फिर पूजा आती है। अभिषेक को पूजा के अंतर्गत ही लिया गया है,
अभिषेक को, आरती को, जाप को, माला को, ये सब पूजा के अंतर्गत आएगा। तो जब वो भगवान का अभिषेक करेगा तो मैंने बता दिया कि कौन सी प्रतिमा से, कौन से अभिषेक से क्या होता है। अब लेते थाली में जो अष्ट द्रव्य होती है, ये बात आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि यदि कुछ लोग आती ना, महिलाएं कहती हैं माता जी सूखी पूजा कर ले। हाँ आती महिलाएं आती पूजा और करने के लिए बहुत करती भी हैं कि तीन उंगली ये वाली दो और ये जलम निरपामती स्वाहा चंदम निरपामती, हाथ में चावल है चंदम निरपामती स्वाहा अक्षत निरपामती स्वाहा पुष्पम निरपामती स्वाहा और फल भी उसी में हो गया उनका, है ना। लेकिन यदि आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास शक्ति है, तो आप कभी भी सूखी पूजा ना करें। अब भगवान जानते नहीं है क्या फल क्या होता है और चावल क्या होता है? तुम किसको बुद्धू बना रहे हो है? जो तीन लोग के नाथ हैं उनके सामने फलम निरपामती स्वाहा, हाथ में चावल, जरा बेटे को रोटी देना, बेटा पूरी खा ले, वो कहेगा मम्मी चश्मा लगवा लो, ये तुमने मेरी थाली में रोटी रखी है पूरी नहीं रखी है। अब भगवान बोलते नहीं है तो चाहे जो करते चाहे, नहीं अष्ट द्रव्य से पूजा जरूर करनी चाहिए। और उससे क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और पूजा में जो सामग्री होती है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ, है ना। अब एक और इसमें आता है कि फल की जगह फल चढ़ाएं क्या, पुष्प की जगह पुष्प चढ़ाएं क्या। तो आपने चैत्र भक्ति पढ़ी होगी, है ना, दिव्येणे नाणेणे, दिव्येणे गंधेणे, दिव्येणे अखेणे, दिव्येणे फुव्येणे, दिव्येणे चूर्णेणे, दिव्येणे दीवेणे, दिव्येणे धुवेणे, दिव्येणे वासेणे, यही आया ना। दिव्य नाणेणे दिव्य जल, दिव्येणे गंधेणे दिव्य चंदन, दिव्येणे अखेणे पुष्प, कौन अक्षत कौन से दिव्य, सारी सामग्री कौन सी है अखेणे, फुब्बेणे कौन से कल्प वृक्ष के पुष्प, दिव्येणे फुब्बेणे कल्प वृक्ष के पुष्प, यानी जो भी सामग्री वहां चढ़ाई जाती है वो सामग्री दिव्य होती है। दिव्य का क्या मतलब निकालेंगे, जीव रहित, कौन सी जीव रहित दिव्य, जिसमें जिसमें जीवोत्पत्ति की संभावना ना हो, वो सामग्री दिव्य कहलाती है। अब तुम्हारे पास में तुम देवता तो हो नहीं कि तुम दिव्य सामग्री चढ़ा चढ़ सको, तो फिर तुम्हारे लिए स्थापना करी गई है। तुमने चटक में नैवेद्य की स्थापना कर ली, पीली चटक में तुमने दीप की स्थापना कर ली, अब लौंग है, लौंग में आपने धूप की स्थापना कर ली, है ना। तो ये स्थापना जो तुम्हारे सामर्थ्य में है वो तुमने कर लिया, और जो नहीं है वो तुमने उसमें स्थापना करके चढ़ा लिया, यही है ना। यानी चाहे कोई भी हो, सबकी अष्ट द्रव्य की थाली में ये चटक वाले नैवेद्य और दीप जरूर मिलेंगे, चाहे कोई हो, है ना। तो जब आप सामग्री से पूजा, अष्ट द्रव्य से पूजा करते हो, आपने कहा जलम निरपामती स्वाहा, आपने जल चढ़ाया। जब सूर्य ग्रह खराब हो तो क्या कहते हैं, जल चढ़ाओ सूर्य को, जल चढ़ गया, चंदन चढ़ गया। जब चंद्र ग्रह खराब हो तो क्या कहते हैं, सफेद चीज दान करो। तो अक्षत कौन से रंग के हैं, सफेद रंग के हैं। सूर्य खराब हो तो बोले पीली चीज दान करो, गुरु खराब हो तो। आपने पुष्प चढ़ाई कौन से रंग के, पीले रंग के। आपने लौंग चढ़ाई कौन से रंग की, काले रंग की। आपने फल चढ़ाया, श्रीफल चढ़ाया, उससे तो सारे ग्रह शांत होते हैं श्रीफल से, तो है ना। तो अष्ट द्रव्य की सामग्री से यदि पूजा करते हो तो फिर ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं ऐसे करने वाले इतनी जल्दी नहीं करेंगे।
लेकिन यदि आप वास्तव में थोड़ा थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं, थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं, थोड़े से भी आप जीवन के प्रति जागृत हैं, तो अपने जीवन में अष्ट द्रव्य से पूजा जरूर करना। कम से कम आपको रोज टाइम नहीं मिलता, कोई सर्विस वाला है, कोई काम वाला है, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो कर ही लेना, तो आप फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं कि नौ ग्रह हैं, ग्रहों की शांति के और क्या उपाय करें। तो जैसा कि सूर्य को ज्योतिष में पिता की उपाधि दी है गजेंद्र जी, निशान भैया जी, हाँ, सूर्य को पिता की उपाधि दी है, पिता के समान है, सबसे बड़ा है। चंद्रमा को माँ की उपाधि नहीं दी है, देखा जाता है। यदि किसी की जन्म पत्री में पिता और माँ की स्थिति देखनी हो तो सूर्य और चंद्र को देखा जाता है और बिल्कुल करेक्ट निकलता है कि तुम्हारी, मतलब एक की जन्म पत्री देखकर तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तुम्हारा भाई कैसा है, तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हारी पत्नी कैसी है, इतना ज्ञान किया जा सकता है एक जन्म पत्री से दूसरे का। सहोनिया के पंडित जी का अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और हमारे यहाँ ज्योतिष धर्म और न्याय को पढ़ाने का। अच्छा, मंत्री जी का बताऊं? अच्छा, देखने में जंत्री का, राजनीति में तंत्री का, और मुरैना के मंत्री का, तुजा का, मिठाइयों में गुजा का, और भगवान की पूजा का, नहीं करने में बकबक्का, पक्षियों में डक्का, और करने में षट आवश्यक का, भोजन में खीर का, होने में धीर का, और तीर्थंकरों में महावीर का, मंदिर में जिनवाणी का, बोलने में मीठी वाणी का, और भगवान महावीर की वाणी का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और भगवान महावीर की बात मानने का। हाँ हाँ, एक में ही तीनों कर दिए बनाया तो सही। शिखर जी, गर्मी में शिकंजी का, बोलने में जी का, और तीर्थों में शिखर जी का। हमको पढ़ने के लिए प्राप्त हुआ है, यह हमारे जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए एक विशेष अवसर है, और शुरुआती शुरुआत यहाँ से हो गई है। तो आगे जो ग्रीष्मकालीन और फिर से शीतकालीन ऐसे सेवन लगेंगे, तो निश्चित रूप से एक भूमिका के रूप में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है हम सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और इसी भावना के साथ कि हम इसी रूप से आज 20 विद्वान, इसका जो प्रभाव सभी जगह दूसरे विद्वान सुनेंगे तो वो भी लोगों को आकर्षण का एक केंद्र बनेगा कि हमें ऐसे शिविरों में निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हम ज्ञान केवल अपने आप से अर्जित जो कर लिया जाता है किताबों में के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से, उसकी अपेक्षा जो सामूहिक तत्व चर्चा यहाँ जो हुई, भाई ऋषभ जी हुए या महेंद्र जी हुए या अन्य हम सब लोगों ने जो चिंतन मनन किया है, वो कुछ विशेष निचोड़ दे करके जाता है, और उससे हमें अब स्पष्टीकरण भी हो जाता है कि हम जहां जो पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उससे वास्तविकता वहां पर है या नहीं है। तो वो सब कुछ हमें पढ़ने और सुनने को प्राप्त हुआ है। हम आभारी हैं आर्यिका माता जी के, और निश्चित रूप से हम सभी शिविर में उपस्थित विद्वान जो हैं वह भी हम परम आभार व्यक्त करते हैं जय भैया जी का, जिन्होंने
एक इतना व्यस्ततम समय रहता है, उसके बावजूद भी इतना 4-5 दिन का इकट्ठा समय निकाल करके हमको सुरक्षित रखा था पहले से, सारे कार्यक्रमों को इधर उधर स्थगित करते हुए भैया जी ने, तो ये भी एक बहुमूल्य चीज है। और इनका भी प्रेम, चूंकि हम तो 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, और ऐसा वात्सल्य अन्यत्र कहीं देखने को, कहीं नहाने के लिए खड़े हैं, कहीं बाल्टी भी नहीं है तो पहले हमारी बाल्टी लेकर के आप नहा लो, उसके बाद मतलब एक छोटी चीज, भोजन किया नहीं किया, ये सारी चीजें हर जगह देखने को प्राप्त नहीं होती है, ऐसा हम सबके प्रति इनका वात्सल्य बना है। और संयुक्त के रूप में भी आपने, हाथी साहब जी ने और जैन जी, पंडित साहब, ये सभी मिलकर के बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, सब विद्वानों के अनुसार रुक रहे थे इतने सालों से, इच्छा थी लेकिन नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर जहाजपुर में आकर मुनि सुब्रत नाथ भगवान के दर्शन करके अति प्रसन्नता हो रही है। कब से मन में हमको लगन लगी थी कि भगवान के दर्शन करना है, पर आज हमारी मनोकामना पूरी हुई, इसके लिए माता जी का बहुत बहुत हमको आशीर्वाद है, धन्यवाद। पहले 3 बार आ चुके हैं, परंतु इतनी जल्दी यहाँ पर प्रोग्रेस हुआ, ये मतलब देख कर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि इतना अधिक हुआ है, जो इतना ये सब माता जी का मतलब के कारण आशीर्वाद है, इसके कारण से हुआ, हमको बार बार यहाँ आना पड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें। पूर्व इतने कम समय में जो जहाजपुर का कायाकल्प किया है, मैं सन 2015 में आया था, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक छोटे से पत्रे के उसमें मंदिर बना हुआ था और छोटे से 2-3 कमरे थे, बड़ी मुश्किल से रहने के लिए भी जगह थी, और आज जो बना दिया है वो तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जय जी ने मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं पा, शब्द ही नहीं मिल रहे, मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे गुणगान करूँ इस भगवान के, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आज अंतर मन से बहुत गदगद हो रखा हूँ, भगवान की छवि देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे संसार में सब कुछ मिल गया, यह जन्म सफल हो गया मेरा आज, धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजग्रही में जन्म लियो आप, राजग्रही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।